मेरे दोस्त किसी ने क्या खूब कहा है कि कवर देख के किताब का और उम्र देख के बंदे की औकात का कभी पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक इसी प्रकार इस वीडियो में मैं आपको कैसे यूट्यूबर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपने चैनल पे मेहनत करके मोटिवेशनल वीडियो बना के चैनल पे 3 मिलियन का सब्सक्राइबर बनाया है। जी हाँ, जिन्हें अभी हाल में आप सभी लोग संदीप महेश्वरी सर के सेशन में भी देखा होगा, तो नाम याद आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। Please give an energetic and warm welcome to the one and only Deepak Dahiya. मेरे दोस्त इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाओगे, इनके संघर्ष से आप बहुत कुछ सीख पाओगे, क्योंकि इन्होंने जो लेवल अचीव किया है वो आपको भी देखना चाहिए। तो सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय हमें और हमारी ऑडियंस को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, और आपका भी धन्यवाद हमें होस्ट करने के लिए। और आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी भी होगी, थोड़ी खुशी भी होगी कि संदीप सर के चैनल के बाद में आपका फर्स्ट ऐसा चैनल है जिस पे चैनल पे मैं गया हूँ। मतलब अभी तक मैं अपने चैनल के अलावा कहीं पर किसी पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू के लिए नहीं गया हूँ, तो आप संदीप सर के बाद में पहले ऐसे कोई क्रिएटर है जिसके यहाँ पर मैं गया हूँ। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए हमें होस्ट करने के। मैं भी आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, मतलब आप काफी सही काम कर रहे हो, मैंने आपका चैनल देखा है। और आप उन क्रिएटर मतलब बाकी जो पॉडकास्ट वाले हो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स को अप्रोच कर रहे हो और उन्हीं को चैनल पर ला रहे हैं, लेकिन आपका मैंने देखा आप उन क्रिएटर को ला रहे हो जो कि उनको इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता, उनकी कोई पहचान वगैरह नहीं, लेकिन उनको भी आप मौका दे रहे हो लाने का यहाँ पर, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं भी आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसे आप काम करते रहिए और आप भी फ्यूचर में बहुत ग्रो करें, ऐसी मेरी विश आपके साथ में। देखिए अक्सर हमारे मन में यह डाउट होता है कि आज आपने जो लेवल अचीव किया है वो बहुत ही प्राउड करते हैं, हम लोग भी आपके ऊपर प्राउड करते हैं, बाकी आपकी फैमिली तो आपके ऊपर प्राउड करती है, लेकिन जरा से हम ये जानना चाहते हैं आपके इंट्रो के बारे में कि आप गांव से हो या फिर शहर से हो, आप कहाँ से रहते हो? एक्चुअली हम गाँव से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, तो अभी फिलहाल यहीं सिटी में ही रह रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला है आगर, तो वहीं पर हम रहते हैं अभी। अच्छा, अभी आप जैसे देखिए आप YouTube से अच्छा खासा सफल हो गए, एक सफल यूट्यूबर हैं आप, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपका वो समय जब आप यूट्यूबर नहीं थे तब आपकी कंडीशन क्या थी उतनी टाइम? उस टाइम की कंडीशन की बात करें तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते थे, मतलब पापा मेरे हलवे का काम करते हैं एंड मम्मी सिलाई का काम करती है, तो पापा भी काम करते थे, मम्मी भी काम करती थी, तो मम्मी अराउंड मम्मी की बात करें तो मम्मी सिलाई के से 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार लगभग मंथ के कमा लेती थी, और पापा की बात करें तो कोई फिक्स नहीं था, जैसे कि कभी अर्निंग कभी थोड़ी ज़्यादा कभी कम, कभी शादी ब्याह होते तो कभी हलवे काम होता कभी नहीं होता, तो मतलब एक लोअर मिडिल क्लास वो हमारी सिचुएशन थी, मतलब एक सर्वाइव कर सकते हैं हम लाइफ को और एक थोड़ी मोटी छोटी मोटी जो इच्छाएं वो पूरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ये सीन था। अच्छा, आपको यूट्यूब पे आने का आइडिया कैसे मिला था कि हाँ यार मुझे यूट्यूब पे जाना चाहिए, पैसे कमाएंगे यूट्यूब से, ऐसा कुछ आइडिया था आपके दिमाग में, पता था कि यूट्यूब से पैसे मिलता है? हाँ, यूट्यूब से अर्निंग होती है ये तो मुझे खुद पहले से पता था, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया उसके 2 साल पहले से मुझे पता था, पर मैंने स्टार्ट वगैरह नहीं किया था, कुछ ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। फिर मतलब 11th क्लास में मैं था और मेरे अंदर से स्टार्टिंग से था कि यार मुझे एवरेज तो रहना ही नहीं है, मतलब मेरे साथ में जितने भी लोग हैं और मैं भी उसी में हूँ और मतलब उनकी जो वैल्यू वही मेरी वैल्यू है, मैं सबके इक्वल में, मुझे ऐसा नहीं रहना, मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे डिफरेंट करना है, कुछ ना कुछ मुझे सबसे बड़ा करना है, मतलब अलग होना है किसी भी हालत में, और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का गोल है मुझे सेट करना है और उससे मुझे अचीव करना है, उसके लिए मुझे अभी से मेहनत करना है, मतलब गोल को बाद में बनाओ और फिर उसे अचीव करो, लेकिन अभी मेरे पास में टाइम है इसका, मैं क्या करूँ, मतलब मेरा सता कि मैं अभी से गोल डिसाइड करूँ और मैं उस पर अभी से वर्क स्टार्ट करना, मतलब अभी से उस पर वर्क करना मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास में टाइम जो है उसका मुझे यूज़ करना है। तो मैं मतलब बहुत सोचा, मैंने बहुत सोचा, कभी क्या माइंड में आया कभी क्या माइंड में आया, बहुत रिसर्च की कि मुझे क्या करूँ, पर ऐसा फिक्स कोई बैठ नहीं रहा था। फिर मतलब एक टाइम ऐसा आया जब मेरा ऑनलाइन अर्निंग में थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो ऑनलाइन अर्निंग कनेक्ट करके यूट्यूब से, और यूट्यूब मेरा ऑल टाइम मतलब सबसे फेवरेट सोशल मीडिया स्टार्टिंग से रहा है, पहले से भी और जब यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया तब से भी, और अब तो ऑब्वियसली यही सही, तो तब से ही मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट रहा है, तो ऑनलाइन अर्निंग जो है वो यूट्यूब से कनेक्ट कर गई, तो फिर मेरे माइंड में आया कि एक काम करते हैं यूट्यूब करते हैं। अब यूट्यूब में मेरा से नहीं था कि यार मतलब यूट्यूब तो आगे माइंड में, अब यूट्यूब में क्या, यूट्यूब में भी बहुत अपने आप में बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर क्या करें, तो मैंने स्टार्टिंग में उस टाइप के वीडियो बनाए जो बहुत चलते हैं, तो मैंने सोचा कि यार इस टाइप के बहुत चलते हैं, मैं भी देखता था पहले तो वैसे बनाता हूँ, तो उस टाइप वीडियो बनाए पर नहीं चले, फिर मैंने काम किया कि यार अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर बनाना चाहिए वीडियोस, तो फिर वहाँ से इस टाइप से मेरा थॉट्स आया। तो अगर एक लाइन में जाओ तो यही है कि मेरे अंदर कुछ करने का डिज़ायर था और वो डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो कुछ करने के डिज़ायर ने ही मुझे अपना एक पॉइंट दे दिया कि हाँ मैं इसके लिए बनाऊँ, मुझे ये करना चाहिए, तो वहाँ से मैंने फिर स्टार्ट कर दिया।
अच्छा, जब आपने YouTube शुरू किया था तो आपकी उम्र बहुत छोटी थी, मैं आपकी पुरानी वीडियो देखा, बहुत छोटी थी उतनी टाइम। आपकी नियर अबाउट कितने एज होगी? मेरी एज थी 16 साल और 2 महीने, 1 महीना। हाँ, 16 साल और 1 या 2 महीने आप मान सकते हो, बस 16 साल का। मतलब 16 साल की उम्र में आपने YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया था? हाँ, 16 साल की उम्र में मैंने अपनी YouTube चैनल स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, जब आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो देखिए बहुत से लोगों के मन में हमेशा ये डाउट होता है कि यार मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा रूम नहीं है, बहुत से लोगों के पास ये बहाने हैं। तो मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने YouTube स्टार्ट किया था तो आपके पास क्या था? मेरे पास में था मेरा एक सैमसंग का J2 गैलेक्सी फ़ोन है, मैंने अपनी काफ़ी वीडियो बताया भी है, तो वो एक मेरे पास में फ़ोन था। उसके बाद में 120 रुपये का एक माइक मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, बस उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। बल्कि अभी इस मंथ मेरे फ़ोन में नेट है, लेकिन अगले महीने मेरा क्या होगा, नेट कहाँ से आएगा फ़ोन में, डाटा आएगा भी नहीं आएगा, ये भी क्लियर नहीं था। तो ये सिर्फ 2 चीज़ें थी मेरे पास में, एक तो मेरा फ़ोन था और एक मेरे पास में एक माइक था। इसके बाद में मैं नेट का जुगाड़ में कर लेता था, कभी दोस्तों के यहाँ चल जाना वीडियो अपलोड करने के लिए, या फिर टाइम पास तो फालतू करता नहीं था, तो नेट की इतनी जरूरत थी नहीं। जब पड़ती थी जरूरत तो अपलोड करने के लिए पड़ती और कुछ वीडियोस देखने के लिए पड़ती थी, तो उसके लिए मैं कभी फ्रेंड के यहाँ चला गया, कभी किसी फ्रेंड के यहाँ पर, कभी किसी से हॉटस्पॉट लेके वाईफाई से यूज़ कर लिया, तो इस टाइप से मैं कर लेता था। मेरे दोस्त आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा बहाना बनाते हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इनका एक समय ऐसा था कि इनके पास नेट तक नहीं था, इसलिए मेरे दोस्त कहता हूं कि जिंदगी भर अगर आप बहाने बनाने लगोगे ना तो बहाने नहीं खत्म होंगे, आप खत्म हो जाओगे, आपकी पूरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन बहाना कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए आपको जिंदा रहने के लिए अपने बहाने को खत्म करना होगा। मैंने आपकी पुरानी वीडियो देखा जिसमें आप 1000 सब्सक्राइबर पर वीडियो बनाए थे, जब आपका 500 सब्सक्राइबर था तब ने आप वीडियो बनाया था, तो वो 0 से 500 सब्सक्राइबर और 500 से 1000 सब्सक्राइबर की जो आपकी जर्नी रही है वो बहुत से लोग अभी उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उस समय के बारे में बताएंगे आपने कैसे सर्वाइव किया उतनी टाइम? उस टाइम मतलब मेरा ऐसा फोकस नहीं था, मतलब कि यार मेरे इस पे 0 से स्टार्ट किया तो मैंने ठीक है, मेरा था कि 1 लाख सब्सक्राइबर से अगर 1 साल भी हो जाए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, 1 साल की अगर 1.5 साल भी हो जाए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बस मुझे ग्रोथ चाहिए किसी भी हालत में। तो व्यूज़ के लिए मैं इतना परेशान नहीं रहा जितना मतलब बाकी लोग आज की डेट में देखता हूँ, तो व्यूज़ के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे, ऐसा नहीं हो रहा। मतलब मेरे भी इतने कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे मतलब 5 से 6 महीनों में, लेकिन हर महीने मतलब मेरी वीडियो की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही थी, और साथ ही साथ मेरे वीडियो के जो व्यूज़ थे वो जितने आ रहे हैं उससे थोड़े टाइम के साथ में इंक्रीज होते रहे। मतलब एकदम से ऐसा नहीं कि मतलब 50 आ गए तो फिर डायरेक्ट 1000-2000 व्यूज आने लगे, नहीं, पहले मतलब 40-50 रेगुलर व्यूज आने लगे, फिर मैंने देखा कि यार 70-80 रेगुलर आ रहे हैं, 100-200 आ रहे हैं फिर रेगुलर, फिर अगले मंथ से अपने 300-400 रेगुलर आ रहे हैं। तो इस ग्रोथ को मैं ग्रोथ मानता हूं, मैं ऐसा नहीं कहता था कि यार अरे यार मेरे तो व्यूज नहीं आ रहे, मेरे तो 1000 में व्यूज आएंगे तभी मोनेटाइजेशन होगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। उस ग्रोथ को मैंने अप्रिशिएट किया और मैं बहुत खुश हुआ था उस ग्रोथ से भी, कि मतलब मेरे 300-400 पर वीडियो पर व्यूज आ रहे थे, मतलब मेरे अंदर का जो मोटिवेशन था ना उस टाइम बहुत बहुत हाई था। और आज के दिन मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे क्रिएटर्स से 3-4 हज़ार व्यूज भी अगर उनके पर वीडियो पर आते हो तो अप्रिशिएट नहीं करते हैं खुद को वो, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है। मतलब आपके कम व्यूज भी आ रहे हैं लेकिन आप उसको अप्रिशिएट करो कि मेरे पहले से तो ज्यादा आ रहे हैं ना, मतलब इसलिए मतलब मेरा एक मेरे अंदर की एनर्जी बनी रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने कम व्यूज को भी अप्रिशिएट किया, कम व्यूवर्स को भी अप्रिशिएट किया। मुझे पता था कि ये बढ़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर तो अगर मैं 400-500 व्यूज पर वीडियो पर, 1000-2000 व्यूज पर वीडियो पर पहुंचा हूं तो फिर आगे भी पहुंच ही जाऊंगा, तो इसको अप्रिशिएट करो अगर आपके कितने भी व्यूज आते हैं। तो मैंने इसको अप्रिशिएट किया और मेरा फोकस था कि मेरी वीडियो क्वालिटी यार बढ़नी चाहिए, मतलब पिछले महीने ऐसी क्वालिटी थी तो अभी थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए, और इंप्रूव होनी चाहिए, तो वो क्वालिटी भी इंप्रूव हुई और व्यूज भी इंप्रूव होते रहे। तो व्यूज का इतना ज्यादा मतलब कभी कभी तो आता माइंड में, सबके इसमें आता है, मेरे इसमें भी आया था माइंड में कि यार नहीं आ रहे, पर टाइम के साथ में मेरे व्यूज बढ़ते रहे तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया। तो जितने भी क्रिएटर्स को देख रहे हैं मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि कम व्यूज भी आ रहे हैं ना आपके, उसको अप्रिशिएट करो। जब आप अप्रिशिएट करते हो ना तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है, बाकी लोग नहीं कर रहे अप्रिशिएट, आप खुद अपने आपको अप्रिशिएट करो, उससे एक अलग ही मोटिवेशन बना रहता है अंदर, एनर्जी बनी रहती है, उस एनर्जी का यूज करो आप अपने कंटेंट को और भी ज्यादा इंप्रूव करने में। फिर इंप्रूव करोगे थोड़े और व्यूज आएंगे, खुद को और अप्रिशिएट करो, ऐसे करते करते कहाँ पहुंच जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। सही बात है, आपके काम में कोई दूसरा कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, आपको दर्द हो रहा है तो आपको खुद से दवा लगाना होगा। आज आपके वीडियो पे कम व्यूज है तो आप उसे ही खुशी मनाइए, हाँ मैंने इतना अचीव तो किया, अभी 1000 आया है, कल 10000 आएगा, परसों 1 लाख आएगा, आप ये माइंड में सोच के रखो। अगर आप ये सोच ले तो कि मेरी वीडियो व्यूज नहीं आता, मैं तो एकदम से ही मतलब किसी काम का नहीं हूँ, तो जब आपकी अचीवमेंट में जब आप खुद नहीं अपने साथ हो तो लोग क्या साथ देंगे आपका। और ये भाई ने बहुत बढ़िया चीज़ बताया, ये बहुत गरीब बात है, अगर आप थोड़ा सा ठंडे माइंड से सोचोगे ना तो बहुत कुछ सीख पाओगे इसी शब्द में, नहीं तो एक कान से सुनोगे कान से उड़ा दोगे, अगले दिन फिर की वीडियो देखोगे, फिर वही मोटिवेशन, फिर वही डीमोटिवेशन, फिर वही व्यूज का चक्कर फंस जाओगे। अच्छा देखिए, बहुत से लोग जितने भी नए यूट्यूबर हैं आजकल, आप सभी लोग जानते हो नए यूट्यूबरों की क्या आदत है कि जब वीडियो पे व्यूज नहीं आता
जब वीडियो व्यूज नहीं आता, काफ़ी वीडियो बना लेते हैं, 10-15-20 वीडियो बना लेते हैं, तो उनके मन में एक ही सवाल आ जाता है कि यूट्यूब मेरी मदद नहीं कर रहा है, वो प्रमोशन के पीछे भागने लगते हैं और दूसरा रास्ता देख लेते हैं कि मैं यूट्यूब ही छोड़ दूंगा, और सबसे ज़्यादा तो प्रमोशन पर भागते हैं, कोई हमको प्रमोट कर दे। तो आपके नज़र में ऐसा करना चाहिए या फिर इससे कैसे बचना चाहिए कि जब वीडियो व्यूज ना आए, जब यूट्यूब छोड़ने का मन करे, तब क्या करना चाहिए? देखो, इसके आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। कई सारे लोग कैपेबल होते हैं, पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नंबर जो लोग होते हैं वो कैपेबल नहीं होते प्रमोशन के लिए। तो जो प्रमोशन के लिए कैपेबल है, उनका बहुत पैसा है ऑलरेडी, बहुत अमीर फैमिली से, तो अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अधिकतर लोग कैपेबल नहीं होते, तो उनका तो ऑप्शन पहले से हो गया कि प्रमोशन भाई करवा नहीं सकते। तो यहाँ पर ना क्रिएटर को थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोच करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मेरी सक्सेस ना एक स्कैम होती है कई बार, इस बात को वो समझ सकते हैं जो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा, फिर से उनका चैनल डेड हो गया, मिलियन में सब्सक्राइबर्स है लेकिन उनको 10,000 वाली फीलिंग भी नहीं आती, तो ये उसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे मत भागो, आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के पीछे भागो। और लॉन्ग टर्म में सक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मतलब किसी भी करके ऑडियंस से और आपका जो कनेक्शन है ना, बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब सिर्फ व्यूज के लिए काम करोगे तो मजा नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में फिर आपका पूरी तरीके से कभी भी कुछ भी खत्म हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो फोकस करो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म सक्सेस पीछे मत भागो। शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसका एक रीजन हो सकता है कि अभी आप में वो क्वालिटी नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो, तो उस क्वालिटी को इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करते जाओ। बाकी सक्सेस मिल रही है उसको देखो ही मत आप। मेरे कई सारे फ्रेंड मुझसे कहते हैं यार वो तो इतनी जल्दी निकल गया, कैसा कंटेंट उसका, मैंने कि उसको क्यों देख रहे हो तुम, उसका कोई भरोसा नहीं फ्यूचर में। तुम अपने पर फोकस करो, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते रहो, वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो हर क्रिएटर को मेरा यही सुझाव है कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के पीछे भागो, बहुत फायदा होगा। सही बात है, क्योंकि मैं अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले एक बंदे ने इंस्टाग्राम मैसेज किया था, उनके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर था, कुछ वीडियो पुरानी उनकी वायरल हुई थी, 10,000 सब्सक्राइबर था, फिर भी हमसे बोल रहे हैं कि रोहित भाई हमको प्रमोट कर दो, हमको प्रमोशन की जरूरत है, क्योंकि उतने टाइम की वीडियो पे 150 व्यूज जा रहे थे। तो मैंने उनसे एक बात बोला कि भाई जब यूट्यूब ने आपको प्रमोट किया तब आपने ऑडियंस को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि आपको ऑडियंस को पकड़ने का ट्रिक नहीं मालूम, आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आप केवल व्यूज के पीछे भागे और व्यूज आया चला गया। तो जब तक आपको ऑडियंस को पकड़ने का ट्रिक नहीं मालूम होगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मेरी वीडियो को क्या कमी है, मेरी वीडियो क्या पसंद आ रही है, क्या लोग नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जब तक ये नॉलेज नहीं होगा तब तक मेरे भाई आप लोग यूट्यूब पे ग्रो नहीं हो सकते। जैसे कि उन्होंने बताया ना कि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझना होगा। अगर समुद्र में राज करना है तो आपको तैरना आना चाहिए, धक्के से कोई समुद्र में आपको ठेल देगा तो आप डूब जाओगे। एक सवाल हमारा आपसे ये है कि कुछ लोग जो नए यूट्यूबर इतने टाइम आ रहे हैं वो यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उन्हें कौन से कंटेंट पे वीडियो बनाना चाहिए, और आई होप आपको भी ये प्रॉब्लम आई होगी स्टार्टिंग के दिनों में, हर किसी को आती है कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, यही लोग नहीं डिसाइड कर पाते। किसी को देख लेते हैं टेक वाला तो टेक वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, किसी को देख लेते हैं मोटिवेशन तो मोटिवेशन बनाना शुरू कर देते हैं, वो अपना एग्जैक्ट जो उनका क्वालिटी है वो नहीं फाइंड कर सकते, लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि किस टॉपिक पर। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो अपनी नीश सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, दूसरे होते हैं जो नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उस कैटेगरी में फिर वो टॉपिक सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो पहले हम बात करते हैं कि वो लोग जो अपनी नीश सेलेक्ट नहीं कर पाते उनका क्या करें। देखो, कई सारे ऐसे क्रिएटर होते हैं जो कि मतलब पहले से उनके माइंड में होता है कि हाँ इसमें इस फील्ड में मैं बहुत अच्छा हूँ तो इस फील्ड को मुझे यूट्यूब पर लाना चाहिए, तो उनका तो पहले से ही फिक्स होता है। एक वो क्रिएटर होते हैं जो कि उनके माइंड में यूट्यूब का आता है, उसके बाद भी उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि यूट्यूब पे तो आ गए, अब यूट्यूब पे क्या करें, यूट्यूब पे इतना सारा है, और उनका माइंड ना अलग अलग चीज़ों में जाता है कि यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, इसमें मेरा इसमें भी इंटरेस्ट है, इसमें भी है। तो आप ये काम करो आराम से, मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत आराम से बैठ करके सोल्व करना। आप एक काम करना, जितने भी आपके माइंड में आइडियाज, जितने भी आपके माइंड में टॉपिक्स है, खूब रिसर्च करके 100, 200, 150 पर यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ के उनको लिख लो एक पेज में। सबसे पहले 50 को रिजेक्ट करो, बचेंगे 50, 100 अगर आप करते हो तो 50 को रिजेक्ट करो, 50 बचेंगे, फिर उन 50 में से 25 को सेलेक्ट करो, उन 25 के भी आधे करते जाओ। उसके बाद में अगर मान लो लास्ट में 2 बचते हैं तो उन 2 में आप देखो कि इन दोनों में से अगर मुझे कोई से एक चूज करना हो तो कौन सा चूज करना है, फिर एक चूज कर लो, उसके बाद में फिर उस पर टिक जाओ, बाकी फिर साइज सारे माइंड से निकाल दो। हाँ, इंटरेस्ट आएगा तो गया इंटरेस्ट भाड़ में, अब इतना इधर करोगे ना इधर करोगे, इसलिए एक माइंड में आ गया इसके, हाँ इसमें मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है इसके मुकाबले, तो फिर उसमें आप लग जाओ। तो नीश आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। बात आती है आपने नीश सेलेक्ट कर ली, लेकिन इसमें भी आपके माइंड में यार इस टॉपिक पे कब बनाओ, इस टॉपिक बनाओ, इस पे बनाओ, ऐसा ऐसा रहता है। तो एक ही नीश में आप थोड़ा अलग अलग टाइप के टॉपिक ट्राई करो तो अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो करना चाहिए, वैसे वैरायटी ऑफ कंटेंट अगर ट्राई करते हो तो आपको भी मजा आता है, ऑडियंस को भी मजा आता है, और हो सकता है कि आपका इस टाइप का कंटेंट नहीं चल रहा है तो इस टाइप का चल जाए, तो ये एक बहुत सही होता है मतलब ऑडियंस के लिए और क्रिएटर के लिए भी। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक लोग जो 15 मिनट तक यहाँ तक वेट किए हैं उनके नज़र में एक ही चीज़ है कि आप अभी यूट्यूब से पैसा कितना कमाते हैं, क्योंकि देखिए पैसे
ऐसी चीज है जिसकी वजह से YouTube पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, और पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, आपको भी पता है, थोड़ा सा आप मोटिवेशन के लिए बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो पैसा भाई सबसे बड़ा मोटिवेशन है इसी ऑब्वियसली, और पैसा एक माइंड में होता ही होता है लोगों के, बाकी चीज भी होती है लेकिन पैसा एक फर्स्ट प्रायोरिटी होता है क्योंकि वही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो अगर दोनों दो चैनल है मेरे और दोनों पे स्पॉन्सरशिप का भी मिला दो, एफिलिएट मार्केटिंग और एडसेंस की अर्निंग का भी मिला दो, तो मतलब कभी हम सेकंड चैनल पर प्रमोशन कभी किसी मंथ में होता है, किसी में हम नहीं करते हैं, किसी मेन चैनल पर भी कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो फिर भी एवरेज कभी करते नहीं करते, और दोनों की एडसेंस एंड सब कुछ मिला करके लोएस्ट और एक हाईएस्ट अमाउंट में आपको बता देता हूँ, 2 से लेके तो 5 लाख तक आप मान सकते हो, मतलब इससे हम नीचे नहीं जाते और इससे हम ऊपर नहीं जाते, तो ये एक अमाउंट है। और ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मतलब अगर मान लो सेकंड चैनल पर महीने में 3-4 प्रमोशन करते हैं तो अर्निंग और ऊपर चल जाएगी, मेन चैनल पर करते हैं और ऊपर जा सकती है, तो अर्निंग के पीछे में इतना नहीं भागता क्योंकि मैंने जो सोचा था उससे मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो फिर मैं अपन अर्निंग को माइंड से निकाल करके लॉन्ग टर्म का सोच करके कंटेंट पे फोकस करता हूँ। कि पैसा तो आता रहेगा लेकिन हाँ, कंटेंट कुछ लोग होते हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं, उनका डिजायर होता है कि हाँ इतना अमाउंट मुझे अर्न करना है, वो कर ले तो उसके बाद उनके अंदर और ज्यादा लालच आता है, तो फिर पैसों के चक्कर में वो अलग अलग तरह के ब्रांड्स प्रमोट करते रहते हैं, अपना जो मेन वीडियो होता है उस पे फोकस, उसको उससे फोकस हटा करके जो प्रमोशन वाला है उस पे फोकस करते हैं, पैसों में लग जाते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म में उनके लिए शायद वहां पर नुकसान हो सकता है। कई सारे चैनल मेरे साथ में थे ऐसे मिलियंस में जो प्रमोशन की वजह से उनकी एक कंसिस्टेंसी बिगड़ी है और उनकी जो क्वालिटी जो फ्लो बनता था क्वालिटी का वो भी उनका बिगड़ा, और बहुत मतलब फिर व्यूज धीरे धीरे डाउन होते चले गए और बहुत बुरी हालत हो गई उनकी। तो वहां पर एक आपको ध्यान रखना है कि पैसे पीछे भागो लेकिन इतना भी मत भागो कि यार मतलब सब कुछ आप अपना ईमान ही बेच दो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, पैसा आपको मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, तो जो मिल रहा है उसमें भी खुश रहो और थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। तो ये इनकी मेहनत है और इनके संघर्ष, आप भी अर्निंग कर सकते हो लेकिन आपके अंदर भी जुनून होनी चाहिए, आपके अंदर भी जिगर होनी चाहिए लोगों से लड़ने की, लोगों की बातें सुनने के लिए हार कर भी खड़ा होने का, ये जिगर आपके अंदर रहेगा तो आपको साथ भी मंजिल होगी, आपको भी आप जो चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे इतना ज़्यादा समय दिए और अपना कीमती वक्त हमें हमारी ऑडियंस को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी